The internet is full of bro science fake knowledge, half-information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So Namaskar, Adab Sat Sri Akal. Friends, I am Dr. Paramjeet you are watching Dr. Education. Friends, today we are going बर्थ के बारे में जी हां वॉटर बर्थ क्या होता है पानी के अंदर पानी में अपने बच्चों बच्चे को जन्म देना ये क्या है कैसा है क्यों है वॉट इज द डेफिनेशन वॉट आर द साइड इफेक्ट वॉट दट आर द रिस्क इज इट रिकमेंडेड रिकमेंडेड है तो सब ऐसा क्यों नहीं करते भाई दिक्कत है तो क्या दिक्कत है भाई और रिकमेंडेशन हो रहा है कई जगहों पे कुछ लोग कहते हैं करो करो तो क्यों बोलते हैं कुछ तो बेटर होगा कुछ तो खराब होगा क्या बेसिक है मेडिकल फील्ड क्या बोलती है डॉक्टर्स क्या बोलते हैं वो समझेंगे वाटर बर्थ मतलब एटलीस्ट पार्ट ऑफ योर लेबर और या डिलीवरी या बोथ ठीक है यानी कि लेबर पीरियड लंबा होता है आपको पता है पहली बार में कुछ बारह बारह घंटे लग जाते हैं कुछ घंटे लग जाते हैं कई घंटे लग जाते हैं सो so, अगर आपका लेबर का कच, कुछ कुछ पार्ट बारह नहीं तो आखिरी के पांच छह घंटे चार घंटे दो घंटे तीन घंटे या एटलीस्ट द डिलीवरी या दोनों लेबर एंड डिलीवरी हैपन वाइल यू आर इन अ बर्थ पुल वॉट इज अ बर्थ पूल बर्थ पूल का मतलब है जिसमें वॉर्म वाटर हो ऐसा बड़ा सा बाथ ऐसा बर्थ टब हो राइट right? एंड बर्थ वाटर बर्थ का मतलब नहीं है कि घर में ही होगा वाटर बर्थ कैन टेक प्लेस इन हॉस्पिटल इन अ बर्थिंग सेंटर अलग से सेंटर होते हैं और एट होम ऑल्सो घर पे भी हो सकता है और यहां पर या तो एक डॉक्टर या फिर जो दाई बोलते हैं मिडवाइफ नर्सिस मिडवाइफ या फिर नर्स और मिडवाइफ नर्स और या नर्स या दाई या दर्द दाई दोनों आपकी हेल्प कर सकते हैं इसके हिसाब से अब आ, यूएस में ऐसे कई सारे बर्थिंग सेंटर है जो कि ऐसे कई हॉस्पिटल्स भी है जो वाटर बर्थ या ऑप्शन है उनके पास वाटर बर्थ का और आ, कई बाकाई जगह पे ऐसे घर जैसा माहौल इन्वायरमेंट बनाया हुआ है राइट और बर्थिंग पूल बोलते हैं उसको जहां पर आपको अगर रखा जाता है दैट इज कॉल्ड अ बर्थिंग पूल एंड बर्थिंग पूल बिकम्स और भी ऐसे कई सारे नेचुरल ऑप्शंस रखे जाते हैं जितना नेचुरल हो उतना नेचुरल हो बर्थिंग पूल यूज किया जा सकता है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ऑल्सो अब फर्स्ट स्टेज ऑफर लेबर पे क्यों पहले पहले इनिशियल में दर्द शुरू हुआ दर्द शुरू हुआ कॉन्ट्रैक्शन हुआ फीमेल जो प्रेग्नेंट है उसको पेन हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फर्स्ट स्टेज शुरू हो रहा है पेन हो रहा है सो बीइंग इनसाइड द द बर्थिंग पूल उस वार्म वाटर के अंदर रहने से देखा गया है कि उनका पेन जो है वो कम होता है इट एक्चुअली कैन हेल्प इज द पेन ये देखा गया है इट कैन इट कैन कीप यू फ्रॉम द एनेशिया कई लोग कहते हैं मेरे को पेन हो रहा है मेरे को दवाई ले गो मेरे को एपिड्यूरल एनेस्थेसिया में करूंगी मेरे को मेरे को पेन नहीं छहना है तो दैट ऑल्सो कैन बी अवॉइडेड सम मैनी टाइम्स है ना और द लास्ट बेनिफिट ऑफ फर्स्ट एव ऑफर लेबर इज कि लेबर का जो ड्यूरेशन है जो कई बार घंटों होगा वो घंटों शॉर्ट हो सकता है बिकॉज ऑफ बींग इन द वॉटर इट एक्चुअली लूज इन अपटर है लूज कर रहे हैं सब कुछ सब कुछ लूज हो रहा है लूज इन अप लूज इन अप ऑब्वियसली लूज होना चाहिए तभी तो बाहर निकलेगा बच्चा सो देर आर बेनिफिट ऑफ बर्थिंग अब इसमें अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑप्स्ट्रेस्टिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट वो जो कि गाइडलाइंस बनाते हैं कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ कैसी होनी चाहिए ठीक है वो क्या बोलते हैं राइट right? वो बोलते हैं कि वाटर बर्थ पहले स्टेज में है तो उसके बेनिफिट हैं और बेबी को डिलीवर कर सकते हैं आप वाटर के अंदर बट दिट हैज रिस्क इट कैन बी डन इट बाय लाइक एन एक्सपेरिमेंटल बिकॉज इसके बहुत सारे रिसर्च नहीं हुए हैं इस पर But इसमें रिस्क है फर्स्ट स्टेज में बेनिफिट है नो डाउट कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो रहे हैं उससे सर्विस जब तक सर्विक्स जो बाहर आने का रास्ता है पूरा नहीं हो जाता तब तक पानी में रहना बहुत अच्छा है ये बोला गया इस पर स्टडी हो रही है। बहुत सारी नहीं हुई है स्टडी क्या बता रही है? जो हो रही है वो क्या बताती है जो स्टडी हो रही है वो बोलती है कि बर्थ ड्यूरिंग स्टेज वन ड नॉट इम्प्रूव योर और बेबीज मेडिकल आउटकम यानि क्या यानी अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है ऑलरेडी बच्चे के गले में कुछ है बच्चे की कुछ बीमारी डाइग्नोज की हुई है कि भाई इनको बच्चे को हाई रिस्क है या ये बच्चा प्री टर्म हो रहा है या ये बच्चा का वजन कम है या वज़न ज्यादा है यानी बच्चे को रिस्क है हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो वो हाई रिस्क प्रेग्नेंसी का रिस्क कम नहीं करेगी अगर आप अंडर वाटर बर्थ कर रहे हो रही सॉरी बर्थिंग uh, वाटर uh, में वाटर में कर वाटर बर्थ कर रहे हो लेकिन वाटर बर्थ कैन मेक यू रिलैक्स कैन फील यू मोर इन कंट्रोल फ्लोट करते हो पानी में तो हेल्प्स यू मूव अराउंड मोर इजीली जैसे आप बेड में हो बेड में नहीं मूव कर सकते तो वहां पर वो हेल्प करता है साइन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि वाटर कैन ऑल्सो लोअर योर चांसेस ऑफ वेजाइनल टीयर बिकॉज वो ढीला कर दे इट में इवन इम्प्रूव योर ब्लड फ्लो टू द यूट्रस आपके यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ा देगा वेजाइना का टीयर होने से बचा देगा इसका क्या इसके ऑब्वियसली ये स्टेज वन स्टेज टू स्टेज थ्री की बात हो रही है स्टेज टू में क्या होगा मतलब स्टेज टू में ये रेकमेंड किया जाता है कि अब आप जो है टब से बाहर आ जाओ दिस इज द टाइम टू एग्जिट द टब वाई बिकॉज थिंग्स चेंज क्या चेंज होता है सर्विक्स आपका टोटली डायलेटेड है बच्चे का रास्ता खुला है अब वहां पर आपको पुश करना है बेबी जब तक बॉर्न नहीं हो जाता आपका बच्चे का सर आएगा बाहर बच्चा जिस प्रकार से है ऑब्वियसली आप नेचुरल बर्थ की तरफ जा रहे हैं तो इट नॉट बी ब्रीच और अदर सीजी इंसैक्शन हो रहा होता राइट तो बहुत डॉक्टर कहते हैं कि भैया इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में इतना इतना एविडेंस नहीं है इतना रिसर्च नहीं है कि हम इसको सेफ बोले या हर जगह यही करो ठीक है सो स्टेज टू में बोला जाता है कि सेफ खेलो भाई बाहर भारत बींग आउट ऑफ द वॉटर मेक्स इट इजियर टू मूव फास्ट इन केस समथिंग है ना कुछ गड़बड़ हो गई तो तुरंत से सेक्शन के लिए जाना है कोई एमरजेंसी दवाइयां देनी है कुछ भी गड़बड़ हो गई तो इट मेक्स इट इजियर ऐसे सेंटर्स में जहां सारा कुछ फैसिलिटी है राइट इट मेक्स इट डिफिकल्ट कि मदर को टब से बाहर निकालना है इट मेक्स इट सो इफ यू डू अगर आपको ऐसी कोई एमरजेंसी सी सेक्शन लगता है है ना तो बच्चे को मदर को टब से निकालने में पानी से निकालने में और एक्स्ट्रा चार पाँच मिनट लग सकते हैं दैट कैन बी दैट कैन बी डिफ़िकल्ट इन केसेज ऑब्वियसली ये एक हर केस में नहीं होगा इट्स अ रेयर थिंग इट्स अ रेयर चांस फैक्टर के ऐसी कोई जरूरत पड़े तो रिस्क क्या है वाटर बर्थ के रेयर प्रॉब्लम्स हैं रेयर रिस्क हैं बट नॉट इम्पॉसिबल इसलिए रिस्क समझना पड़ेगा एक तो इन्फेक्शन का रिस्क है पानी है सब जगह जा रहा है अंदर भी जाएगा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इफ द वॉटर इज इंफेक्टेड अम्बलिकल कॉर्ड जो होती है बच्चे की वो कुड स्नैप कुड एक्चुअली स्नैप बिफोर योर बेबी कम्स आउट ऑफ द वॉटर ऐसा भी देखा गया है पता नहीं क्यों बट है uh, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है वार्म वाटर में थोड़ा वार्म और हो सकता है कोल्ड वाटर में कोल्ड हो सकता है राइट right. या बच्चा पैदा होते ही सबसे बड़ा खतरा क्या है बच्चा अगर बाहर निकल गया और वहीं पर उसने सांस ले ली पानी के अंदर ही तो वो बच्चा कहीं पानी सांस की नली में ना ले ले ये खतरा ये भैया बहुत बड़ा खतरा है सो so, <coughs> या फिर बच्चा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा जो है रेयर है मगर है बच्चा हो सकता है उसको दौरे पड़े या उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो ये बाकी सारे केसेस में भी हो सकता है मोर इम्पॉर्टेंट इज इट इज वेरी रेयर टू हैव एनी ऑफ दीज साइड इफेक्ट ऐसा नहीं कि हर केस में होगा राइट right? सो so, इसमें यह भी देखा जाता है कि अगर क्या आप एक्चुअल कैंडिडेट हो जिसका वाटर बर्थ होना चाहिए वरना सबको नहीं है सबके नहीं कर सकते वाटर बर्थ किसको नहीं करना चाहिए किसको नहीं ट्राई करना चाहिए यह बोला गया है अगर आप सत्रह साल से छोटे हैं, सत्रह साल से छोटे यंग या पैंतीस साल से ऊपर वाटर बर्थ में रिस्क मत लो कॉम्प्लिकेशंस के चांस ज़्यादा है आपको अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है प्री है रिस्क मत लो आपको ट्विन्स है मल्टीपल प्रेगनेंसी है रिस्क मत लो आपको ब्रीच पोजीशन है बेबी प्री है बच्चा बहुत ही बड़ा है यू आर कॉन्स्टेंटली ऐसे चीज़ों में आपको इन्फेक्शन ऑलरेडी है नो no रिस्क रिस्क नहीं लेना मत करो है ना अगर कर रहे हो तो क्या प्रिकॉशन लेना है डॉक्टर हो आपके पास में डॉक्टर वाली फैसिलिटी में हो एटलीस्ट बर्थ बहुत करते समय राइट right. और आपको ये देखना है कि क्या अगर डॉक्टर नहीं भी है तो जो है उसको एक्सपीरियंस है स्टैंडर्ड हेल्थ केयर प्रिकॉशंस हैं इंफेक्शन प्रिवेंशन के प्रिकॉशंस है पानी साफ है, है ना प्रॉपरली बच्चे को मॉनिटर करने के लिए जगह है अगर कोई कुछ गड़बड़ हो गई तो आई सी यू है निक्कू है बच्चे वाला आई सी यू है मदर वाला आई सी यू है या नहीं है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे इंपॉर्टेंट है वाटर का टेम्परेचर देखना बहुत जरूरी है वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए नाइन्टी सेवन टू हंड्रेड नाइन्टी सेवन से हंड्रेड डिग्री फेनराइट उसके उसके ऊपर नहीं उसके नीचे नहीं और पानी पीना है बिफोर गोइंग इन टू द वॉटर पानी से आपको ताकि आप डिहाइड्रेशन ना हो जाए बिकॉज़ उससे और गेटिंग इन टू वॉर्म वाटर जल्दी अगर घुस जाओगे ना माइट इवन स्लो योर लेबर कई बार ऐसा भी होता है सो दैट्स द थिंग सो वॉटर वॉटर बर्थ के एडवांटेज है थोड़े बहुत रिस्क है आपको अपनी सेफ्टी का इंपॉर्टेंस रखना है और कई जगहों पे ये ऑप्शन अभी आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं और आगे चल के हो सकता है इसके ऊपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और आ जाए और इसे और खुल के इस्तेमाल किया जाए बट दैट इज अ वेरी वेरी वायबल ऑप्शन जो लिया जा सकता है मेरे पास जितनी जानकारी थी अवेलेबल मैंने आपको दे दी बाकी की जानकारी आप बाकी की और कोई जानकारी आएगी तो हम आपको बताते रहेंगे थैंक यू सो मच प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी